था रहता अब कर अब तो शर्मा क्या है सभी दोस्तों आपसे देख नहीं रहा इधर बेटा देख इधर देख इधर देख वीडियो की हुई लड़ाई आप बोलो तो टैग यही डाल दूं मैं दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं आपका होस्ट लव पालीवाल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी सब्सक्राइबर और मेरे पूरे देशवासियों को और आज फिर से आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम आए हैं उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क मैं और मेरे साथी मेरे परम मित्र कुणाल शर्मा और दोस्तों कुणाल भाई का भी एक नया चैनल है हंटर कुणाल नाम से गेमिंग जोन तो प्लीज़ हंटर कुणाल नाम से चैनल आएगा आप सब्सक्राइब करें सभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के नए व्लॉग में हम बायोलॉजिकल पार्क जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे जानवर शेर चीता हाथी घोड़ा जो भी दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं आनंद लेते हैं आगे के व्लॉग का। हाँ दोस्तों दीपावली के बाद जो छुट्टियाँ हैं उसकी भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पब्लिक आई हुई है गुजरात से लगभग यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र सभी की पब्लिक आती है पब्लिक दिखाता हूँ आज पब्लिक कितनी कितनी पब्लिक है पूरी है बायोलॉजिकल पार्क की लाइन लग रही है। बायोलॉजिकल पार्क का टिकट लेके आ जाते हैं टिकट में अभी आपको दिखा दूंगा कितना टिकट है आपका बहुत ही अच्छा और बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है ये उदयपुर में ये सज्जनगढ़ से पहले है सज्जनगढ़ वाले रूट पर ही है तो आप जो भी उदयपुर आए एक बार प्लीज़ बायोलॉजिकल पार्क ज़रूर आए उसका मैप का डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू। दो टिकट लिए मैंने 40-40 रुपीज़ के वन पर्सन 40 रुपीज़ है ये गोल्फ कार्ड के नियम गोल्फ कार्ड मिलती है अंदर ही आपको अंदर पर्सनल गाड़ी या गोल्फ कार्ड मिल जाएगी जिससे आप आराम से घूम सकते हैं। ये आ चुके हम बायोलॉजिकल पार्क यहाँ सब तरह के जानवर है ये देखिए क्या क्या है फैसिलिटी अच्छी दे रखी है आराम से इतनी भीड़ नहीं है आराम से अंदर आ गए अब शायद कुछ गाड़ी वाड़ी करके घूमने जाएंगे। मेंटेन भी अच्छा कर रखा है इन्होंने पार्क को बायोलॉजिकल पार्क एक कुणाल भी आगे आके भाग रहे हैं बारिश से हरियाली चारों तरफ अच्छी है अभी यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा पार्क 3-4 किलोमीटर होगा ना 3 हाँ 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पार्क पहले ये गुलाबबाग में हुआ करता था फिर ये 5-7 साल से इधर शिफ्ट हुआ है तो अभी मेंटेन भी अच्छा किया और डेवलप भी अच्छा किया इसको अच्छा पार्क है तो एक बार ज़रूर आइए फिर चलते आगे। वहाँ गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी आधा एक घंटे की वेटिंग थी गाड़ियों की इसलिए हमने पैदल चलने का फाइनल किया कुणाल भैया और हम पैदल पैदल चल रहे हैं पार्क में तो ठीक है 3-4 किलोमीटर है आराम से वॉकिंग डिस्टेंस देखने का आनंद ज़्यादा आएगा। चल रहे हैं मैं और कुणाल भैया वो आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ पहाड़ों के बीच बना हुआ ये बायोलॉजिकल पार्क ये देखिए
ये ऑर्चिड, शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग ही दिखा दूंगा, अभी तक फोटो नज़र आया मेरे को, सिर्फ शुतुरमुर्ग ही दिखा दूंगा आपको, दिख नहीं रहा अभी तक तो कहीं। फूल ना थोड़े लंगूर और रेसस मकाऊ, किसी को टाइगर जैसा दिख रहा है। गाइस ये पूरा नक्शा है बायोलॉजिकल पार्क का, इसमें A1 लिखा है, उसमें दिख गया है अपने को। वो देख रहा ना, उसको लगना वो देख रहा। ये पास में खड़ा, ये भी देख रहे हैं। ये शर्मा क्या है सभी दोस्तों, आपसे देख नहीं रहा इधर। बेटा देख, इधर देख, इधर देख, वो देख रहा है उसने। गाइस ये ब्लैक डियर सो रहा है अभी, डिस्टर्ब नहीं करा अभी, सोने तो इसको वापस आते हैं। जोधपुर से लाए इसको, सलमान से बचा के लाए। पेंथर है ना, पास में बहुत ही अमेजिंग बायोलॉजिकल पार्क है ये। प्रॉपर इन्होंने रोडें बना रखी है, वॉकिंग ट्रैक अलग बना रखा है, और जो गोल्फ गाड़ी होती है उसके साथ ही अलग अलग उसका रूट है। ये जैसे ये रूट है, ये दो रूट है, देखिए ये दो रूट है। तो गोल्फ गाड़ी वहाँ रुक जाती है और पब्लिक पैदल घूम के वापस यहाँ से बैठ सकती है। तो प्रॉपर मैनेज कर रखा है इन्होंने इस पूरे बायोलॉजिकल पार्क को, अच्छी व्यवस्था है। ऊपर व्यू ये देखिए, पूरा व्यू। हम अभी टॉप पे हैं बायोलॉजिकल पार्क के जू के। ये भेड़ियों का झुंड, भेड़िए झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। ये भेड़िए हैं भाई साहब, दोस्तों ये भेड़िए हैं जो झुंड में आ रहे हैं और लड़ा रहे हैं। देखो झुंड में आके लड़ा रहे हैं, भेड़ियों की हुई लड़ाई, भेड़ियों की हुई लड़ाई। आप बोलो तो टैग यही डाल दूं मैं, और शेर को दिखाएंगे, वो अकेले आएगा अभी देखना। यहाँ वाइट टाइगर भी है, तो अगर दिख गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ट्रैक बहुत लंबा है, ये मैं खुद थक चुका हूँ इसमें। वो देखिए बहुत बड़ी पहाड़ी है, ये पहाड़ी पूरी बड़ी है। फिलहाल थकान बहुत ज़्यादा आ गई है, टाइगर शेर क्या है खाई ना है। तो दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं, ले ले वो लेता है, लेता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पूरा लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया हम घूम के आ चुके हैं। कुणाल भी अभी भी आगे आगे दौड़ रहे हैं, ये देखिए अभी भी आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैं पीछे पीछे ही चल रहा हूँ। तेरे आगे धीरे धीरे चलता था तू? अच्छा सब धीरे धीरे चलते हो, देख लिया। जब कुणाल भैया किसी और के साथ आते हैं तो आप सोच गए होंगे, अभी बोल नहीं सकते हैं। शेर जितने भी अंदर जा के सो रहे हैं, फिर मैंने सोचा मैं पत्थर मार के जगाऊं, फिर ऊपर कैमरा देख के मेरे को डर लगा। मेरे फिर जितने भी डर गए, अब कर, अब तो उठ ही जाएगा वो, चला जाए। टाइगर
फाइनली हम पूरा बायोलॉजिकल पार्क घूम के आ गए हैं, जिसमें हमें पेंथर भी मिला, टाइगर भी मिला, टाइगर नहीं मिला, टाइगर छिप गया था, टाइगर का पता चल गया दूसरा टाइगर आ गया, इसलिए टाइगर छिप गया था। बाकी दूसरे छोटे मोटे सब मिले, भालू मिल गया, पर वो क्या एक्चुअली उनकी लोकेशन सही कैप्चर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने उनको शूट ही नहीं किया, शूट कर नहीं पाया एक्चुअली। फिलहाल हम बायोलॉजिकल पार्क बाहर आ गए हैं, पूरा व्लॉग आ जाएगा आपके पास। वैसे मैंने मोटा मोटी पूरा बायोलॉजिकल पार्क शूट किया है, जो जो पॉसिबल हो सका वो आपको दिख जाएगा, जो मैं देख पाया वो आप सभी आपको दिख जाएगा। फिर अब हम बाहर जाएंगे, भूख लग रही है तो कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।